नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है नाइन्थ चैप्टर पढ़ेंगे। और इस नाइन्थ चैप्टर में क्या है, हिंदी विश्व शांति की भाषा है। ये हिंदी विश्व शांति की भाषा है, हिंदी गौरव की भाषा है। ये वैसे जानते हैं, ये इस टाइप से जो पढ़ने में बहुत ही बोरिंग सा लगता है, पता है ये कौन सी विधा है? ये है आपकी साक्षात्कार। हर साहित्य, हर चीज़ें एक एक विधा लिए हुए होती है ना। तो ये हिंदी विश्व शांति की भाषा ये कैसी है? साक्षात्कार है। अब पूछेंगे आप किसका साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू किसका है? इंटरव्यू है आपका साइजी माकिनो का। साइजी माकिनो जो हिंदी प्रेमी थे, हिंदी के प्रेमी थे और जापान के थे, ठीक है। और इनका इंटरव्यू किसने लिया? जैसे आज बहुत सारे मीडिया वाले और बहुत सारे लोग लेते हैं ना एक दूसरे के इंटरव्यू, जैसे लेते हैं बड़े बड़े नेताओं का और लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, वैसे ही रत्नावली कौशिक थे। वैसे ही रत्नावली कौशिक जी ने क्या किया है, इनका साक्षात्कार लिया है साइजी माकिनो का। किसका? साइजी माकिनो का। उनके द्वारा जो भी इस उनके साक्षात्कार में स्टेटमेंट उन्होंने बोला है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। बच्चों जानते हैं, साक्षात्कार और निबंध, इन सब चीज़ों से, इन सारी विधाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और रुचि के साथ पढ़ना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। सोच के देखिए थोड़ा सा, आपके अंदर और रुचि पैदा होगा ये चैप्टर पढ़ने के लिए, जब आपको ये पता चलेगा कि एक जापानीज़, जापान में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? जापानीज़। इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन, और अमेरिका में अमेरिकन, तो वैसे ही जापान में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? जापानीज़। साइजी माकिनो जो थे वो एक जापानीज़ हैं। वो जब यहाँ पर आए इंडिया में, तो इंडिया के ही होके रह गए। उनको यहाँ पे भारत इतना भा गया, यहाँ की हिंदी भाषा उनको इतनी भा गई कि वो यहीं के रह गए। और हिंदी के बारे में, हमारे भारत के बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, अब हम अपने भारत की व्याख्या करें तो ये तो हमारी अपनी बड़ाई हो गई कि नहीं। और यदि हम जापान के कोई या विदेश के लोग यदि हमारे भारत की व्याख्या करें, हमारे भारत की बड़ाई बताएं, तो कितनी अच्छी बात होगी, होगी कि नहीं। तो वैसे ही साइजी माकिनो जो हैं वो हिंदी विश्व शांति की भाषा है। ये जो उनके साक्षात्कार में उन्होंने एक बार बोला है, उसी को ये शीर्षक बना दिया गया है। रत्नावली कौशिक जी ने इस साक्षात्कार के माध्यम से ढेर सारे प्रश्न पूछे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे आंसर दिए हैं। उसी में ये एक सेंटेंस था, हिंदी विश्व शांति की भाषा है उनके द्वारा कहा गया, जिसको कि इस चैप्टर का शीर्षक बना दिया गया है, ठीक है। और साइजी माकिनो कहाँ के रहने वाले थे? जापान के रहने वाले थे। पता है बच्चों, एक थोड़ा सा जीके भी आपको पता होना चाहिए कि जापान है कहाँ, ठीक है। तो ये हमारे एशिया में ही आएगा जापान। जापान कहाँ आएगा? हमारे एशिया में आएगा। तो ये जान लीजिए, जो हमारा जो भारत है, हमारा क्या है, ये जो भारत है ना, ये जो हमारा भारत है, अब ये है ऐसे पिक्चर, और इस साइड में इंडोनेशिया है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, और इधर आपका जो है फिलीपींस, मनाली मनीला फिलीपींस हो गया, मनीला, हाँ, जिसकी जो है कैपिटल क्या है? मनीला है। और यहाँ पे आपकी क्या आएगी? और ऊपर जाइए, यहाँ पे नहीं, यहाँ फिलीपींस मनीला नहीं है, और इधर जाइए थोड़ा सा, इसको और ऐसा करिए, यहाँ पे तो आपका अंडमान है, हाँ इधर ले लीजिए, हाँ इधर आपका इंडोनेशिया हो गया, और फिर इधर फिर आपका फिलीपींस मनीला हो गया, और यहाँ पे आपकी इधर आपका जो है इधर चीन, चीन का एरिया है, और फिर इस साइड में आपकी क्या है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यहाँ पे इधर ये आपका पूरा चीन है, ठीक, इधर उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया, ठीक। और यहाँ पे आपकी क्या है? जापान है। यहाँ पे आपका क्या है? जापान ही है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इधर
जापान है, और ये बीच का जो एरिया होता है ना उसको जापान सागर बोलते हैं। तो ये जापान के रहने वाले थे सैजी माकिनो। कहाँ के रहने वाले थे? यहाँ जापान के। पता है आपको ये जो जापान, अब हमने आप देख लिए लोकेशन, आप देख लिए इधर भारत है, इधर इंडोनेशिया है, इधर फिलीपींस है ये चीन का एरिया जो सटा हुआ है भारत से, फिर इधर उत्तर कोरिया, इधर जापान है जो कि प्रशांत महासागर में आता है। अब बच्चों ये जो जापान है, आपको पता है जापान एक द्वीप में है, एक द्वीप नहीं चार द्वीपों में है, ठीक है? कैसे? चार द्वीपों में है। द्वीप जानते हैं किसे कहते हैं? ये जो द्वीप होता है ना, ये द्वीप जो है चारों ओर समुद्र से घिरा हो, जो चारों ओर समुद्र हो और बीच में एक टापू हो, तो उसको क्या हम बोलेंगे? द्वीप बोलते हैं। वैसे ही ये चार द्वीप होते हैं, चार द्वीप हैं जिनको हम जापान कॉल करते हैं। इसको क्या कॉल करते हैं? जापान। ये चारों द्वीप से मिलकर ही जापान बना है। होकोंडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ठीक है? तो इस तरह से, और आपका जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वो क्या है, वो कहाँ पर है? वो आपकी होन्शु द्वीप पर है। कहाँ, किस द्वीप पर है? होन्शु। और यही क्रम है द्वीपों का, ठीक। ये द्वीपों से मिलकर के ये जापान बना है। और तो ये यहाँ पे ये पूरी लोकेशन आप जान गए होंगे, और इतनी दूर से अपना भारत यहाँ पर है, और यहाँ पे जो है इस साइड जो है प्रशांत महासागर में जापान तो एशिया में ही है, लेकिन इतनी दूर से जब वो भारत आए, ठीक है, भारत आए कि कुछ जाऊँगा, और एक पशु चिकित्सक थे ये, तो इनको बुलाया गया था। जब ये भारत है तो यहीं के होके रह गए। तो चलिए पढ़ते हैं, और बड़ा ही मज़ा आएगा जब आप इनके इनके बारे में जानेंगे और इनकी इनके विचारों को जानेंगे, भारत के प्रति इनके क्या विचार हैं, तो आपको पढ़ के बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर का जो होता है वो एक निचोड़ होता है, वो तो हम बता चुके हैं आपको। हाँ, ऊपर का क्या होता है? जो ऊपर की लिखी होती है वो एक निचोड़ होती है पूरे आपके स्टोरी की। तो क्या है? प्रस्तुत पाठ हिंदी प्रेमी सैजी माकिनो से रत्नावली कौशिक की बातचीत पर आधारित है। बातचीत को ही हम क्या कहेंगे? साक्षात्कार कहेंगे। और ये कौन सी विधा हो गई? साक्षात्कार विधा है। ये कौन सी विधा है बच्चों? साक्षात्कार विधा है। तो चलिए देखते हैं। जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को जन्मे सैजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए तो फिर यहीं के होके रह गए। तो एक बार आए और यहीं के होके रह गए। आए तो गांधी जी के सेवा आश्रम में, आए तो थे गांधी जी के सेवाग्राम में। सेवाग्राम क्या था? उनका एक आश्रम था, सेवाग्राम में आए थे, में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे। ये सेवाग्राम में तालीमी संघ था, वहाँ पे पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा। रंग चढ़ना क्या है बच्चों? मुहावरा है। ऐसा रंग चढ़ना, रंग चढ़ना मतलब ढल जाना, किसी चीज़ में ढल जाना। तो हिंदुस्तान पे ये ऐसा ढल गए, हाँ, उन पे इसका जो है रंग चढ़ा, इतने आदि हो गए हिंदुस्तान के इतने आदि हो गए ये, कि फिर लौटने का मन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ इनका? लौटने का मन नहीं हुआ। खादी क्या अपनाई, संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो चला। ये गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के अनन्य भक्त थे, समझ लीजिए, उन्हीं को आदर्श मानते थे और उन्हीं के उसमें चलते थे ये सैजी माकिनो। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी सैजी माकिनो से। चलिए अब रत्नावली कौशिक जी का पहला प्रश्न पड़ा इनके ऊपर, क्या था कि भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था? उनका कहना था कि भारत आप आए थे तो कोई विशेष उद्देश्य से आए थे, कि पशु चिकित्सक तो थे ही आप, कोई और कोई विशेष उद्देश्य था कि यहीं पे रह गए? तो क्या कहते हैं सैजी माकिनो जी? उन्होंने कहा कि सन 1958 ईस्वी की बात है, मुझे फुजी गुरुजी ने वर्धा स्थित, फुजुई गुरु थे यहाँ पर सेवाग्राम में, फुजुई गुरु थे, उन्होंने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया था। वहाँ पे पशु बहुत सारे होते थे, तो पशुओं की देखरेख के लिए उनके डॉक्टर के रूप में उनको बुलाया गया था।
वे सन 1931 ईस्वी से गांधी जी के सहयोगी थे, ठीक है। जो फुजुई थे वो सन 1931 ईस्वी से, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब से 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, हाँ, तब उसके पहले से ये गांधी जी के सहयोगी थे और सेवाग्राम में ही रहते थे। यहाँ एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी तो सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ। तो फुजुई जी जब उनको बुलाए तो ये कुछ सालों के लिए भारत आए थे। आज 45 वर्ष होने चले हैं, अब तो भारत ही मेरा घर है। सोच के देखिए, एक विदेशी बोल रहा है, हाँ, एक विदेशी कह रहा है कि अब तो भारत ही अब मेरा घर है। ये ऐसा रंग चढ़ गया इनके ऊपर भारत का। बाद में फुजुई गुरुजी ने ही मुझे रविंद्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन, अब जानते हैं, अब यहीं से बहुत सारे प्रश्न आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि सेवाग्राम आश्रम गांधी जी से जुड़ा है और शांति निकेतन आश्रम किससे जुड़ा हुआ है, गुरुदेव जी से। गुरुदेव किसको बोलते थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी को बोलते हैं। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की धारा ही बदल गई, ठीक है। फिर देखिए, फिर दूसरा प्रश्न रत्नावली जी थे, हाँ, दूसरा प्रश्न ये जो रत्नावली कौशिक जी थे उन्होंने जड़ा क्या, देखिए उन्होंने कहा, हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। अब वो जापान से आए थे तो थे जापनीज, तो उनको सिर्फ जापान की भाषा आती थी, लेकिन उन्होंने हिंदी सीखा, समझे, उन्होंने उस समझदारी वाला काम किया, उन्होंने हिंदी सीखा। अप्रैल सन 1959 ईस्वी में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन में एक सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं। जब ये जो है विनोबा जी से मिले, विनोबा भावे थे हिंदी साहित्यकार हैं, ये सब हिंदी के राइट लेखक हैं, तो उन्होंने जो है जब मिले ये साहित्यकार से, विनोबा जी से, तो उन्होंने कहा कि आप जो है सेवाग्राम लौट कर के हिंदी सीखना प्रारंभ करूं, और मैंने हिंदी सीखना आरंभ कर दिया। और उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर्य नायकम हुआ करते थे। प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे, आर्य नायकम, ठीक है। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सिखाना बहुत मुश्किल काम था। सही बात है, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ नहीं आती है उसको सीखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लगन और उत्साह से हर उस चीज़ को अचीव किया जा सकता है, पाया जा सकता है। तो उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को पास भेजे। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सीखना बहुत मुश्किल काम था। मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी, पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी, अब वो बता रहे हैं अपने बारे में, तो अपनी पत्नी के बारे में बताएं कि मेरी पत्नी यूकी को जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था। ऐसे हैं हमारे इंडियंस, हम भारतीय एक दूसरे से रिश्ता बहुत जल्दी बनाते हैं और उस रिश्ते में अलग अलग नाम और रिश्ता इस तरह से जोड़ लेते हैं। रास्ते में मिलेंगे तो भैया, चाचा और दीदी, मैडम, ऐसे करके प्रोनाउंस करके अपने काम को निकालते हैं और एक दूसरे से रिश्ता बना लेते हैं। और चूँकि यूकी को तो वहीं पर रहती थी तो वहाँ पे सेवाग्राम में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना चुकी थी और अच्छे रिश्ते बन चुके थे। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें क्या का नाम पुकारते थे, सुजाता नाम दिए। यूकी को इंडियंस के लिए बोलना बड़ा मुश्किल था तो उन्होंने क्या नाम दे दिया, सुजाता। हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा, उस समय हिंदी सीखने के लिए क्या कौन सी समिति थी, वर्धा राष्ट्रभाषा। और इसी समिति के द्वारा अनेक संशोधन भी किए गए हैं, मतलब संशोधन के सुझाव भी दिए गए हैं, ठीक है। वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया।
छः महीने तक हॉस्टल में रहकर, छः महीने तक ये क्या कि हॉस्टल में रहे और हिंदी मतलब ये रहीं, यूकी को रहीं, इनको वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेजा गया हिंदी सीखने के लिए, और ये जो है हॉस्टल में रहीं और वहाँ पढ़ती रहीं। शायद जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा रहीं, हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा वही रहीं, ठीक है। सेवाग्राम में रहकर अब फिर प्रश्न जड़ा इन्होंने रत्नावली कौशिक जी ने क्या है कि सेवाग्राम में रहकर तो आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे, भाई गांधी जी तो चरखा चलाते थे तो आप भी चरखा चलाते होंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता, ये गौशाला में भी काम करने लगे थे, मतलब ये इतने इतने वहाँ से मतलब से इतने वहाँ से प्रेम हो गया था उनको कि ये गौशाला में भी काम करते थे कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखा के महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। सही बात है, सही बात है। वो चरखा चला करके खादी के वस्त्र में जो बात है, वैसे और अन्य कपड़ों में बहुत अन्य कपड़ों में मुश्किल है। आज मोदी जी भी हैं जिन जो चरखा को महत्व दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर जोर दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा? शांति निकेतन में भी गए थे ना ये, तो गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे इतना प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ इतना शांत वातावरण था कि वो उस प्राकृतिक वातावरण की वो बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही सौंदर्य ने, उस प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे इतना आकर्षित किया, क्या कह रहे हैं कि मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर, हिंदी भवन था और उसके सामने वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ते रहते थे, और शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज़ स्पष्ट सुन सकते थे। समझ रहे हैं, पुस्तकालय ऐसा होना भी चाहिए कि आप आराम से बैठ करके और एकदम शांत माहौल, तभी तो शांति में समझ में भी आता है। तो पुस्तकालय में बैठ के वो घड़ी की आवाज़ भी, इतना शांत माहौल था वहाँ का। मैंने भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार बना लिया। वहाँ पे उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा, वहाँ पे वो रम गए। समझ लीजिए, समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की। इन्होंने कहा कि ये शांत वातावरण गुरुदेव को प्रभावित किया है, या गुरुदेव के व्यक्तित्व ने शांत वातावरण को बना दिया है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये तुलना नहीं कर पा रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व भी इतना शांत, कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुदेव का व्यक्तित्व भी इतना शांत है जैसे वातावरण है। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। तमाम संस्कृतियों को समाये, मतलब जैसे कि साई जी माकिनो आए, वैसे ही विदेश से विभिन्न प्रकार के लोग आकर के वहाँ पे रहे हैं और हिंदी भाषा को सीखे हैं, विभिन्न भाषाओं को सीखे हैं। विभिन्न भाषाएं होती हैं, अपने देश में सिर्फ हिंदी ही नहीं है, बहुत सारी भाषाएं तो हैं ही, साउथ में है साउथ मलयालम, कन्नड़ वगैरह सब बोली जाती है, और फ्रेंच, इटालियन वगैरह भाषा भी सिखाई जाती है। जो एंग्लो इंडियंस होते हैं वो लोग भी जो है विभिन्न प्रकार की भाषाएं सीखते हैं। तो कहाँ सीखते हैं, इसके लिए अलग अलग विश्वविद्यालय होते हैं। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ की प्रकृति स्वयं यहाँ की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेंगी। इसी भूमि में देख लीजिए आप जो है एक जापानीज़ की भाषा को देखिए, आप उनकी भाषा कितनी सरल है। हाँ, उनकी ये हिंदी की भाषा उनकी इतनी सरल है,
और सुगम्य भी है। जमाना कितना भी बदल जाए पर शांति निकेतन की विश्व में तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता रहेगी। यहाँ अच्छा ये हो गया है, कहानियाँ सुनाती रहेंगी। इसी भूमि में मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भी क्या थे, हिंदी हिंदी के साहित्यकार हैं। उन्होंने कई बहुत सारी साहित्य निबंध लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं उन्होंने, ठीक है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभावों से शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। ये बताइए कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने पूछा। आपने मतलब कि हिंदी सीखी कैसे, हिंदी यात्रा की आपकी शुरुआत कैसे हो चली, तो वो बताते हैं कि सच तो यह है कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चल पड़ा। अब भाई इंडिया में आए हैं तो जापनीज़ तो बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे ना, जो उनकी कैटेगरी के होंगे वही समझ पाएंगे। इंडिया में आके तो भारतीय लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी था, तो हिंदी उनकी कृपा बनी और उनका जीवन चल पड़ा, वरना रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में बिरला फैक्ट्री में जापानी तकनीकी से एक फैक्ट्री लगाया गया, ठीक है। जापानी तकनीक जानते हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत ही आगे है, और वहाँ पे कोई भी चीज़ है बड़ी टेक्निक से और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल की जाती है। और आप एक बार सर्च करिएगा गूगल पे और उसको देखिएगा, जापान के बारे में देखिएगा, जापान को देखिएगा, हाँ, और वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िएगा, तो आपको और भी नॉलेज मिलेगी। और ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो गूगल करके सर्च ज़रूर करिएगा, जापान के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई, जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी, सही बात है। ये तो साइजी मार्किनों थे जो हिंदी सीख लिए, लेकिन जापानी जो इंजीनियर थे उनको हिंदी नहीं आती थी, और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी, हाँ जापान में लगाए हैं तो काम कौन, मजदूर कौन है, भारतीय, और लगाए हैं इंजीनियर्स हैं जापानी, तो उन दोनों में तालमेल कैसे बैठे। तो उन दोनों में तालमेल बैठाने के लिए ये द्विभाषी दोनों भाषाओं के जानकार, जापानी और इंडियन हिंदी भाषा, इन दोनों भाषाओं के जानकार जो थे साइजी माइकोनो को बुलाया गया, यानी कहते हैं मुझे बुलाया गया, और एक द्विभाषी के रूप में मैंने 400 रुपये महीना बहुत होता था उस समय, महीने पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने 4 साल काम किया और हिंदी में बहुत से लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, ठीक, बहुत सारे लेख लिखे थे। तो फिर क्या हुआ, क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है, रत्नावली कौशिक जी ने पूछा कि जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है। तो भाई समानता तो है, दोनों का लोक साहित्य, कहते हैं दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है, मणिपुर और राजस्थान। और मणिपुर कहाँ है, आपका पूर्व में हो गया और राजस्थान पश्चिम में हो गया, ठीक है। तो मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएँ जापान की लोक कथाओं जैसी ही हैं। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है। अभी हमने बताया ना आपको उसका लोकेशन जापान का, तो चीन जापान से सटा हुआ है और जापान चीन के नज़दीक है ना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये सारे नज़दीक हैं, ठीक। ये दक्षिण पूर्वोत्तर क्षेत्र, एशिया के दक्षिण पूर्वोत्तर क्षेत्र कहे जाते हैं। तो फिर भारत की मिश्रित संस्कृति है, तो चूँकि सटी हुई है इस वजह से उसकी संस्कृति का असर तो पड़ेगा ही। तो चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है, में भारत को दादा, सोच लीजिए कह रहे हैं इन्होंने क्या कहा, भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। इस मिश्रित संस्कृति में भारत को ही दादा और चीन को पिता, यानी कि ज़्यादा अनुभवी कौन हुआ, हमारा भारत, दादा तो ज़्यादा अनुभवी हुए ना। तो हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूं यह मेरी कामना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है, इन्होंने पूछा जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। अब ये 45 साल से तो यहीं पर है, वहाँ तो गए नहीं, लेकिन उसके पहले तो ये जापान में ही थे ना, और जापान से ऐसा थोड़ी कि एकदम नाता कट गया था इनका,
वहाँ पे इनका मतलब वहाँ से जो आंतरिक रूप से जुड़े तो हुए ही थे वो। तो फिर जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत सम्मान है, बहुत अधिक सम्मान है। सोच लीजिए अपने भारत में, अब हम अपने भारत और भारत के और विदेशों में यदि तुलना करें तो बाहर के लोग हमारे भाषा को कितना मान सम्मान देते हैं और हम अपने भारतीय होकर के अंग्रेजी के पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, यदि अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरफ ही रखें, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही रखें तो भी ठीक है, लेकिन नहीं, भाषा की तरह इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, लेकिन नहीं, हम उसमें इतने तल्लीन हो गए हैं कि हम अपनी अपनी ही मातृभाषा, अपनी ही भाषा को, राजभाषा को भूलते जा रहे हैं। तो और जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। जापान की दो नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो, टोक्यो होन्शो होन्शो द्वीप में है जहाँ पे टोक्यो ओलंपिक गेम्स खेले जाएंगे। तो में बीए और एमए स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है, समझ रहे हैं, ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर पर क्या पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए, बिल्कुल है गौरव का विषय, हमारी भाषा को दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, दूसरे विदेशों में पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या है, हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, अब बीए कोर्स भी है और हर साल बहुत लोग बीए की परीक्षा में बैठते हैं। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, 6 महीने का, ठीक है, और 1 साल का, ऐसे होता है ना, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा 1 साल का 6 महीने का करके उसको डिप्लोमा मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अब बीए कोर्सेज भी चल रहे हैं जापान से, जैपनीज लैंग्वेज में। बीए कोर्स का मतलब ये है कि 3 साल का आपका कोर्स होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं, डिग्री दी जाएगी, उसके बाद क्या होगा, डिग्री दी जाएगी। हाँ, कोर्स भी और साल बहुत बीए परीक्षा में बैठते हैं। मेरा यह मानना है कि भाषा देशों की भावनाओं के स्तर पर जोड़ती है, सही बात है। जापानी भाषा भावनाओं के स्तर, कोई भाषा ही तो है जो हम भाषा से ही तो हम अपने मनोभाव को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और कि ठीक है, और कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, जोड़ती है। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं, देखिए ढेर सारी नॉलेज मिल रही है ना, लेकिन हम इन साक्षात्कार और निबंध जैसी विधाओं से ऊब जाते हैं, लेकिन नहीं ऊबना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी नॉलेज मिलती है इससे। इन दिनों बांग्ला भाषा भी जापान में जोर पकड़े हुए है, क्योंकि कलकत्ता यानी कोलकाता एशिया का दरवाज़ा है। कोलकाता क्या है, एशिया का दरवाज़ा है। एक समय में सबसे ज़्यादा एशिया का दरवाज़ा हम क्यों कह दिए, ये कोलकाता साइड जो है वो समुद्र के किनारे पड़ता है ना आपके, हाँ, बंगाल की खाड़ी अगर उधर से पड़ता है तो लोग उधर से ही व्यापार करते हैं, तो उसको हम क्या कह दिए, उसको एशिया का दरवाज़ा, उसको एशिया का दरवाज़ा कह दिए। एक समय में सबसे ज़्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे, अब तो पूरे देश में बिखर गए हैं। पहले हमारा देश जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध उसके पूर्व सब चीन, जापान, इंडिया सब एक में था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सब अलग अलग हो गए हैं। जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रत हैं, तो प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में कौन कौन रत हैं, तो वो बता रहे हैं कि प्रोफेसर दोई हैं जो टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की है। प्रोफेसर दोई वे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर भीष्म साहनी हमारे इंडियन भारतीय साहित्यकार हैं, उनकी तमस को जापानी में अनुवाद किया इन्होंने, हाँ। और प्रोफेसर कोगा ने जापान ने हिंदी कोश की रचना की है, हिंदी कोश यानी डिक्शनरी की, जापानी हिंदी कोश की
रचना की है। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी में अनुवाद भी किया है। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी है। प्रोफेसर मोजो कामी हर साल हिंदी को एक हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए भारत आते हैं। देख लीजिए किस तरह से जो प्रसिद्ध है हमारी हिंदी विदेशों में, जापान में। प्रोफेसर सकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत काम किया है। अब क्या है और क्या पूछते हैं, आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है। तो बोलते हैं हाँ, मुझे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसका जापानी में अनुवाद किया है। तो साई जी माइक्यून ने किसका अनुवाद किया है, भगवती चरण वर्मा की उपन्यास चित्रलेखा का अनुवाद किया है। इसके अलावा आपने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं, तो ये है क्या है, साई जी माइकनो की पुस्तकें हैं। इसको आप जरूर याद करिएगा, साई जी माइकनो लिखिएगा, उधर इनकी पुस्तकें क्या क्या लिखे हैं, टैगोर और गांधी एक तुलनात्मक अध्ययन, और क्या है, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। अभी एक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई है, एक पुस्तक की उसकी पांडुलिपि तैयार कर चुके हैं, उसका मतलब कार्बन कॉपी उसकी तैयार कर चुके हैं। भारतवर्ष में 45 साल मेरी हिंदी यात्रा, का पांडुलिपि तैयार हो चुका है, बस जल्दी ही छप जाएगी। आज की नई पीढ़ी जो पश्चिम सभ्यता के पीछे भाग रही है, सही बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रही है, नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है, यह बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल दुख की बात है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। गुड मॉर्निंग बोलना हमें बहुत अच्छा लगता है, गुड मॉर्निंग से इम्प्रेशन बढ़ता है, नमस्कार बोलिए, प्रणाम बोलिए तो हमारा सर नीचे उठता है कि इसे कुछ नहीं आता। ये एक मानसिकता है, भारतीयों की एक मानसिकता है कि गुड मॉर्निंग बोले और गुड इवनिंग बोले, गुड नाइट बोलेंगे, और तो इससे हमारे क्या है कि ये क्या है, ये पाश्चात्य संस्कृति तो है, अपनाते जा रहे हैं हम, नमस्कार बोलने में हमें शर्म आती है, जबकि हमें नमस्कार, धन्यवाद, इस सारे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, तभी ना उसका प्रचार, हमारी हिंदी का प्रचार और प्रसार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखने पढ़ने के अतिरिक्त आपके और कौन कौन से शौक हैं। तो कहते हैं कि मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। जापान में बगीचा जैसे लगाए जाते हैं, सबके अलग अलग टेक्निक से, अभी हमने बताया ना कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे है, उसी तरह से उनकी टेक्नोलॉजी है, खेती करने की उनकी अलग टेक्नोलॉजी है, और तो उन्हें जापानी तरीके से बगीचा लगाना बहुत पसंद है। जहाँ जाता हूँ फूल पत्ती और पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ, जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखते हैं, इनसे सीखने के लिए आते हैं। ठीक है, अब इनका अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न है रत्नावली कौशिक जी का इनसे कि अंत में कोई ऐसी बात जो आप अपने पाठकों से कहना चाहेंगे। तो देखिए ये क्या कहते हैं, मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है कि जितना भारत माता का नमक खाया उतनी उसकी सेवा नहीं की। कितनी बड़ी बात बोल दी है इन्होंने। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है, दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। एक विदेशी के मुख से अपने भारत की इतनी बड़ाई सुन करके मेरे ख्याल से जैसे मेरा हृदय गदगद हो गया, वैसे आपका हृदय भी गदगद हो गया होगा। तो बच्चों ये वाला चैप्टर तो फिनिश हो गया, और आपने पढ़ा, बहुत कुछ सीखा भी होगा, इनकी भाषा शैली के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा, और भी जापान के बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी आपको, उम्मीद करते हैं। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन आता है बच्चों, उसे ज़रूर दबाइएगा। इसको दबाने से क्या होता है, इसको जब आप दबाएंगे ना तो क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिलेगी, मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि अपने दोस्तों को भी बताइए,
कि यहाँ स्टूडेंट लर्निंग पर आओ और अपनी ये क्लास करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि उन्हें भी हेल्प मिलेगी। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो मेरा हमेशा बोलती हूँ मैं। ठीक,